कुछ समय पहले पार्थेश्वर समाचार चंद्रपुर में शुरू हुआ राजेश नायडू जी के माध्यम से। अभी ये समाचार, अभी ये डिजिटल न्यूज़ चैनल नागपुर में शुरू होने जा रहा है। मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि पत्रकारिता के इस संसार में पार्थेश्वर समाचार एक खरा पत्रकार करके उभरेगा और एक अच्छी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जल्द आ रहा है पार्थेश्वर समाचार, डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल और न्यूज पोर्टल। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जबरदस्त सफलता के साथ अब अपने नागपुर शहर में कार्यालय रजत संकुल बस स्टैंड के सामने गणेश पेठ नागपुर। संपर्क संपादक राजेश नायडू, मोबाइल नंबर 7709032035। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के लोकप्रिय सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर ने राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक चंद्रपुर क्षेत्र द्वारा भूख हड़ताल में बैठे श्री के सिंह और यूनियन के कर्मठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपना समर्थन जाहिर किया। चंद्रपुर के लोकप्रिय सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर ने राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक चंद्रपुर क्षेत्र द्वारा भूख हड़ताल में बैठे श्री के सिंह और यूनियन के कर्मठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपना समर्थन जाहिर किया और तुरंत सीएमजी नागपुर को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्शाया। उन्होंने चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर के हिटलरशाही का कड़ा विरोध दर्शाते हुए कामगारों की जायज मांगों का तुरंत निपटारा करने और भूख हड़ताल आंदोलन को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की। पिछले 10 जून 2021 से अन्य त्याग आंदोलन चलने के बावजूद प्रबंधन ने आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन प्रबंधन की हठधर्मिता और हिटलर शाही के विरोध में इंटुक के महामंत्री के सिंह ने 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर ने 38 दिन से चल रहे इस आंदोलन को प्रबंधन ने गंभीरता से न लेने पर अपना रोष जाहिर किया और तुरंत प्रबंधन को निर्देश देकर बातचीत से आंदोलन को समाप्त करने के निर्देश पर चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर अपने अधिकारियों के साथ उपोषण मंडप में आकर उपोषणकर्ता के सिंह को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। लगभग 2 घंटे बहस के बाद सांसद बालू धानोरकर की मध्यस्थता से संगठन और प्रबंधन में समझौता हुआ। अगर चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर इस समझौते को नजरअंदाज करेंगे तो स्वयं सांसद बालू धानोरकर 1 अगस्त 2021 से प्रबंधन के विरोध में इससे भी बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर के साथ भूतपूर्व विधायक देवराव भांडेकर, चंद्रपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी, विद्यार्थी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल चहारे, माजी नगर सेवक प्रवीण पडवेकर, दुर्गेश कोडाम और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। प्रतिनिधि, हमारे सहयोगी कर्मी, अधिकारी, आज बहुत दिनों से लंबी जो एक समस्या थी, माननीय सांसद महोदय के हस्तक्षेप से और प्रबंधन के आश्वासन से ये आज यहाँ समाप्त होने जा रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वर्कर की समस्या सर्वोपरि है और प्रबंधन इसको निपटारा करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे वरिष्ठ साथी जो समस्या लाएंगे, इसमें हमने आज आश्वासन दिया है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं अविलंब उसको उसका निपटारा किया जाएगा, जो मुख्यालय की समस्याएं हैं उसको उचित माध्यम से उसको भेजा जाएगा। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आदरणीय के सिंह जी ने इस चंद्रपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग दिया है, अपना हाथ बढ़ाया है और आशीर्वाद दिया है, आगे भी ऐसा देंगे, मैं इनसे अपेक्षा करता हूं और प्रबंधन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी कामगारों के हित को ध्यान में रखने के लिए, उनकी समस्याओं को निपटारा करने के लिए। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आदरणीय के सिंह जी को, जिन्होंने बड़े ही संयम के साथ अपने बात को रखा, प्रबंधन के बात को सुना और आपसी सहमति से हम लोग इस निर्णय पे पहुँचे। ये सारा श्रेय मैं देता हूँ हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय बालू भाऊ धानोरकर साहब का, मैडम प्रतिभा धानोरकर का, जिनके उपस्थिति मात्र से इतनी बड़ी समस्याएं का समाधान हुआ। मैं पुनः आप सबको यहाँ पे आ पाए, आप सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया, एक अच्छे डिसिप्लिन का आपने परिचय दिया और हमारे जो सांसद महोदय, एमएलए महोदया, इन सब का आप गरिमा को बचाए रखा,
मैं आपको तहे दिल से इसकी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बड़ो बहुत धनुकर हमारी विधायिका एमएलए मैडम धनुकर, हमारे यहाँ के क्षेत्र के मुखिया शाबिर साहब, यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जिला दिरा भांडेकर साहब एक्स एमएलए, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रामू तिवारी जी, भाई विनोद तत्रे जी, घनश्याम मुंजनानी जी, शोर भाई और सभी साथी मेरे कांग्रेस के जो वक्त वक्त पे आते रहे, हम लोगों को हौसला देते रहे। दोस्तों, सांसद महोदय के इंटरव्यू से आज एक समझौते की बात निकली है, उसमें ये निकला है, भाव बताएंगे कि लोकल मुद्दे कुछ तीन चार दिन में, लेकिन हम उसको भी नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर तक के मुद्दे जो पेंडिंग है या होंगे उसको 31 तारीख तक इस महीने के 15 दिन में वो सुलझा लेंगे। हम बड़ी नम्रता से एक मौका और दे रहे हैं कि लोकल मुद्दे भी अगर आप 31 तक तो निकालोगे हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारी तकलीफ ये थी कि आप हमारे मुद्दों को नहीं सुनोगे, हमारी समस्याओं को नहीं करोगे और 2100 मेंबरशिप लेके सबसे बड़ी यूनियन होके आप हमको बाहर कर दोगे, इसका नाराजगी था। शाबिर साहब को आए 2 महीने हुए, उनके टाइम के कोई इशू नहीं थे, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, जो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें इंटक से ठीक, हमको मालूम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके पहले हर जीएम कर रहे भाव। मैंने साहब को ही बोला था कि साहब एरिया आपको चलाना है, माइन आपको चलाना है, डीपी क्या बोल रहा है, सीएमडी क्या बोल रहा है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आज आपके इंटरव्यू करने से ये समस्या का समाधान निकल रहा है। और आपने एश्योरेंस लिया है, आपने दोनों पक्षों को कहा है कि 1 तारीख के बाद या तो ये काम होंगे, आप खुद यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, और अगर नहीं होगा तो वो जवाबदारी बाड़ू भाव ने खुद अपने ऊपर लिया कि इसको मैं कैसे कराना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे सांसद महोदय का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारी आमदार महोदय का ईमानदारी से कि उन्होंने कामगार हित में अपने वोटरों के हक में यहाँ तक आए और इसका समाधान निकालने की कोशिश किया। एक बार पुनः मैं इनका आभार मानता हूँ और अपनी वाणी गुलाम करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। आंदोलन मेरे ख्याल से आज का 42वां दिन है, ये आंदोलन पिछले महीने से जो चालू है। आदरणीय हमारे ज्येष्ठ इंटेक के नेता के सिंह जी, इनके नेतृत्व में आंदोलन चालू है। आज उसका समारोह हो रहा है, यहाँ के मुख्यालय के अधिकारी शाबिर जी, हमारे भांडेकर जी, मूलचंदानी जी, बसंत सिंह जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी, सोहेल भाई, हमारे इंटेक के सभी नेतागण, नितिन पेटारकर, रामू तिवारी जी, एमएलए प्रतिभा धानोरकर और सभी मान्यवर, हमारे प्रशांत भारती, पड़वेकर। नागपूर शहरामध्ये पार्थसर समाचारच्या द्वारा जे आपण समाजकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा, धन्यवाद। 27 जुलाई प्रेरणा दिवस वृक्षारोपण पहल में प्रदेश में लाखों पौधे रोपण के लिए प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित पदाधिकारियों को संभाग निरीक्षक नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है कि कार्यक्रम सुनियोजित और सफल हो। जिलाध्यक्ष को चाहिए कि वो विभाग निरीक्षक का मार्गदर्शन ले और अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाए। राज्य स्तरीय आदेश का निरीक्षकों द्वारा हर तरह से पालन किया जाएगा। सभी को उनका सहयोग करना चाहिए। जिले के प्रत्येक तालुका में स्कूलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई जानी चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक सेना के सदस्यों के साथ कम से कम 100 पौधे लगाए जाएंगे। मैं विनीत लालवानी यूनिक स्टोन की तरफ से नागपुर में शुरू हो रहे नए चैनल पार्थेश्वर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।